वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 111 idioms and phrases जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अपनी टोन को चेंज करना चाहते हैं बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन idioms and phrases। फर्स्ट वन, एड फ्यूल इन द फायर, आग में घी डालना, मीन्स टू मेक मैटर वर्स। सेकेंड, एन आयरन विल, जैसे आयरन स्ट्रांग होती है वैसे ही हमारी विल पावर का स्ट्रांग होना। थर्ड वन, एन ओल्ड फ्लेम, मीन्स रोमांटिक पार्टनर इन पास्ट। फोर्थ वन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट। फिफ्थ वन, एप्पल ऑफ वन्स आई, वेरी लवेबल। सिक्स्थ, एप्पल पाई ऑर्डर, मीन्स इन गुड कंडीशन। सेवेंथ वन, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब एक ऐसी रिच फैमिली में बॉर्न होना, कैसे बॉर्न होना, सिल्वर का चम्मच लेके। एट वन, बी इन अ ड्राइविंग सीट, अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो मीन्स यू हैव टू बियर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाइन्थ वन, बेड ऑफ रोजेस, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कम्फर्ट। टेंथ वन, बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी ऐसे लोग जिनके क्या हो, आइडियाज एज वेल एज इंटरेस्ट सेम हो। इलेवेंथ वन, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, दोनों तरह से कैंडल को जला देना, मतलब टू वेस्ट मनी। ट्वेल्थ वन, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी बाय एनी मीन्स आपको ये काम करना ही करना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ब्लाइंड डेट, मीन्स मीटिंग विद एन अननोन पर्सन। 14th वन, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज यानी छुपा हुआ, हिडन ब्लेसिंग्स। 15th, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। 16th, बाय लीप्स एंड बाउंड्स एट अ रैपिड रेस। 17th, कैस्टल्स इन द एयर, हम बोलते हैं ना हवाई किले बनाना, दैट इज डे ड्रीमिंग। 18th, क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो सबको अच्छे से पता होगा क्या, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। 19th, cry for the moon, moon के लिए रो रहे हो आप, मतलब आप किसी ऐसी चीज की डिजायर कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो जिसको आप अटेन नहीं कर सकते हो, अचीव नहीं कर सकते हो, दैट इज अनअटेनेबल। 20th, cry over spilled milk, मतलब अगर आप किसी चीज के लिए, सपोज दूध के लिए रो रहे हो, ये कहता है कि दूध जो गिर गया है उसके लिए रो रहे हो, उसका क्या फायदा, वो तो गिर चुका ना, तो regret in vain for what cannot be undone, किसी ऐसी चीज के लिए पछतावा करना जो अब अंडन नहीं कर सकती, वापस वैसी नहीं हो सकती, तो उसके लिए रोना क्या है, वेन है, बेकार है। 21, कट नो आइस टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। 22, ईगल आई, वेरी नीन आई साइज, बहुत शार्प आईज होना। 23, फेयर सेक्स, फेयर सेक्स इज यूज्ड फॉर वुमेन। 24, फैंसी प्राइस एट डिमांडेड प्राइस। 25th, गाला डे, हम कहते हैं ना इट्स अ गाला डे, इट्स अ सेलिब्रेशन डे। 26th, गिबल गैबल, मीन्स फुलिश टॉक्स। 27th, हैल्कियन डेज, ये कौन से डेज होते हैं, पीसफुल डेज को बोला जाता है। 28th, इन अ नटशेल, मैं बहुत बार बोलती हूँ इन वेरी शॉर्ट, इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड ऑल, तो ये क्या है, मतलब इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। 29, इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन रिटन फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म, पेपर इज व्हाइट एंड इंक इज ब्लैक। 30th, इन वोग, वोग में क्या चल रहा है, इन द करंट फैशन। 31, लोव्स एंड फिशेस, मीन्स मटीरियल बेनिफिट। 32, लॉयन शेयर, यानी लार्ज पार्ट। 33, लुक ऑफ कलर्स, मीन्स टू लुक इल और अनहेल्दी। 34, मैड एज मार्च हेयर, मतलब क्रेजी होना एज वेल एज इनसेन, पागल होना, ठीक है। 35th, मेडन्स नेम, अब ये जो मेडन नेम होता है ये क्या होता है, अ वुमेन्स नेम बिफोर मैरिज। 36, मेडन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच। 37, मैन ऑफ मीन्स, जिसके पास सब कुछ है, अ वेल्दी मैन। 38, मैन ऑफ आयरन, मीन्स मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। 39, मैन ऑफ लेटर्स, लेटर यानी लर्न पर्सन। 40, मैन ऑफ वर्ड, वर्ड यानी वर्ड से क्या समझ में आया, जो अपने वर्ड्स पर रहे, ट्रू टू वंस वर्ड। 41, मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की तरह क्या होना, वीक होना, अ वीक पर्सन।
42, miss the beat to lose the opportunity. 43, mothers with common sense. Oily tongue मतलब flattering words, बढ़ा चढ़ा कर बोलना. Past master, an expert. 46, poison someone's ear, किसी के कान भरना, to speak against one to another. 47, poke one's nose, हम कहते हैं ना अपनी नाक मत घुसा, means to interfere. 48, queer fish, यानी strange person. 50, rain cats and dogs, rain very heavily, red letter day, a memorable day. 52, rule the roast to dominate. 53, save one's skin, मतलब to save oneself. See red, जब हमें गुस्सा आता है हम बहुत red हो जाते हैं, to become very angry. Sow the dragon's teeth, मतलब to create future trouble for yourself as well as for others. Stand on one's own leg, खुद के पैरों पर खड़ा होना, means to become self-independent. Stones throw मतलब very near. Sweat of one's brow, hard labor करते हैं ना, अच्छे से sweating होती है. Sworn enemies, people hitting each other a lot. 60th, take into account, इस चीज़ को account में लो, इस चीज़ को consider करो, please have a look, ठीक है. Throw down the gauntlet मतलब जैसे आप challenge को throw करते हो. Tooth and nail, nail से ही क्या समझ में आ रहा है, violently. 63, true to one salt, नमक से क्या आता है, loyalty, loyal person. 64, टर्न अ डीप ईयर टू मतलब बहरे हो जाना, किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना, पे नॉट टू पे एनी अटेंशन, फाइन. 65, अपहिल टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क. 66, वाइट एलिफेंट, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज. ह्यूमन सर्विस, एक्सलेंट वर्क. 68, अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. एडम्स एल इज यूज फॉर प्योर वाटर. Bookworm आपको अच्छे से पता है, किताबी कीड़ा, यानी a bibliophilic person. Capital punishment, death penalty. Carrot and stick policy, reward and punishment policy. 73, child's play, ये तो बच्चों का खेल है, it's a very easy task. 74, clinch the issue, मतलब जो भी आपकी controversy है उसको clear करो. 75, close shave, a narrow escape. 76, curtain lecture. Curtain lecture कौन सा होता है, पर्दे के पीछे छुपा हुआ lecture, जो हम पीछे से देते हैं, मतलब a private scolding by wife to her husband. 77, dark horse, unexpected winner. 78, dog's life कैसी होती है, very miserable life. 79, easy money, वो क्या है, bribe लेना, घूस लेना. 80th, few and far between, very rare. 81, fight to the finish, आखरी तक लड़ना, to fight to the end. 82, for the rainy day, precautions for emergency. 83, golden opportunity, very favorable opportunity. 84, green horn, मतलब एक inexperienced और immature person. 85, heart to heart, दिल से दिल की बातें, बड़ी खुल के, very frankly. 86, Himalayan blunder, इतनी बड़ी mistake कर देना, very serious mistake. 87, in a tight corner, in difficult situations. 88, in doldrums, to be depressed. 89, in the family way means to get pregnant. 90, keep an eye on, नजर रखना, to watch. 91, keep an open table. Open table means to entertain all openly. 92, laugh in one's sleeves, to laugh secretly. 93, lead to the altar, to marry. 94, make amends means to compensate. 95, man in the street means common man. 96, narrow circumstances, hard days. 97, nook and corner at every place. 98, on and on, चलते चलो, to continue. 99, put pen to paper, to start writing. 100, rank and file, यानी lower middle class people. Screw up one's courage, to gather courage, हिम्मती का ठीक करना. Show a clean pair of heels, दिखा देना, to run away. Square meal, full meal. Talk, washing.
The knockdown price, very low price. Turn one's coat to change one's party. अपना पाला बदल लेना. Turn the tables. Table turn करना मतलब situation को पूरी तरीके से change कर देना. Under a cloud. Cloud के अंडर क्या है? मतलब एक suspicious conditions. Vexed question. Vexed question कैसे होते हैं? यानी जिसको बहुत ज़्यादा debate की गई हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा discussion हुई हुई हो. 110th. Wild goose chase. यानी useless efforts. लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 111 हमारा विदाउट राइम एंड रीजन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 idioms एंड phrases. हालांकि ये दिखते बहुत सिंपल है, ऐसे लगता है ये तो हमें आते हैं, बट जब एग्जाम में आता है तो हम इन्हें भूल जाते हैं. सो आई वॉन्ट बिफोर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लीज हैव अ लुक अपॉन दीज 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases. Thank you very much. Keep watching, keep sharing, keep commenting. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.